मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि शैलेश जी आप खड़े होकर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें। कोई भी अधिकार नहीं है। देश में राजनीति को गालियां देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको और मुझे क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का? अगर रास्ते में हमारी गाड़ी में हम जाते हैं और हमारे पास कागज नहीं होते, हम पुलिस वाले को 200 रुपए देके छूट के जाना चाहते हैं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? ट्रेन में मैं जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं होती, मैं 500 रुपए देके सीट पे सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स के नाके में ये कोशिश करता हूं कि किस तरह से 60 रुपए बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के घर जाता हूं और कहता हूं कि नंबर बढ़ा दीजिए, मिठाई का डब्बा ले लीजिए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब मेरी बैलेंस शीट बनती है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहता हूं कि पैसे कहां बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? रास्ते में कोई किसी महिला को छेड़ दे तो मैं रुक के देखता भी नहीं कि कौन तकलीफ में है, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं इतनी जल्दी में होता हूं, किसी बुजुर्ग को रास्ते का पार नहीं कराता, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? कोई अधिकार नहीं है आपको और मुझे। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा।